मुझे पद्मश्री मिला है लेकिन उद्योग और ट्रेड में. जिस समाज में कभी खाना नसीब नहीं था, जहां कपड़े तक ढंग के नहीं थे, जहां रहने के लिए घर नसीब नहीं था, ऐसे लड़की को पद्मश्री मिला उद्योग और ट्रेड में. और एक खुशी की बात बता दूं कि नारी शक्ति 8 मार्च को नारी शक्ति मिल रहा है मुझे प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट के हाथों से. तो ये सारा करते हुए जो संघर्ष मैंने किया, मिला तो सब कुछ है लेकिन कैसे, कितना संघर्ष करना पड़ा मुझे इन सारी बातों के लिए. मैं कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की चेयरमैन हूं आज, जहां मैं कुछ भी नहीं थी, जीरो भी नहीं थी, लेकिन आज एक ऐतिहासिक कंपनी की चेयरमैन हूं. ये सब करते हुए मेरा जो सफर है, मैं एक छोटे से गांव से आई थी, एक छोटा सा गांव जिस गांव में सिर्फ एक रास्ता था चलने के लिए, मतलब मार्केट जाओ तो वही एक रास्ता है, स्कूल जाओ तो भी एक वही रास्ता है, मतलब वही एक रास्ते पे सारा कुछ खत्म हो रहा है. लेकिन आज मुंबई जैसे शहर में मेरी कंपनी के नाम से 2 रोड है, रामजी भाई कमानी, कुर्ला कमानी. तो मेरा एजुकेशन तक नहीं हो सका ढंग से, मैं बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई, शादी भी सक्सेस नहीं हुई. उसके बाद घर वापस बाबा लेकर गए, लेकिन वहां जाने के बाद लोगों को ये बात भी पसंद नहीं आई कि एक बेटी जो ससुराल गई थी वो वापस मायके कैसे आ सकती है, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है ही नहीं ना. ससुराल में चाहे वो लड़की मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसको समाज ठीक नहीं समझता. और फिर समाज जिस नजर से, अंदाज से मुझे देखना शुरू किया, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, मैं बोझ बन चुकी हूँ धरती के ऊपर, क्योंकि ना तो मेरे पास एजुकेशन है, मैं नौकरी नहीं कर सकती, ना ही मैं ससुराल में अच्छा है मेरा ससुराल जिसमें मैं संसार कर सकती हूँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए. तो मुझे ऐसे लगा मुझे मर जाना चाहिए और मैंने पॉइजन पी लिया. पॉइजन पीने के बाद भी मैं मर नहीं सकी, मुझे बचा लिया गया. लेकिन बचने के बाद जो लोग मुझे देखने के लिए आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये लड़की तूने ये क्या कर दिया, अगर तू मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता. लोग तो यही कहते ना कि महादेव की बेटी ने जरूर ऐसा कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से इसे मरना पड़ा. तो ये बात जो है वो मेरे दिल की गहराई तक पहुंची कि ये क्या है, लोग ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं. जीना बहुत मुश्किल था इसलिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन मरने भी नहीं देते तो अब क्या करें. तब फिर मैंने सोच लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इसी दुनिया को कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ रास्ता नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली, और उस जमाने में इतना सारा कुछ था भी नहीं जिस तरह से आज के जमाने में बहुत कुछ सीखने के लिए है, मेरे जमाने में नहीं था. वहां तो ऐसा था ना कि घर से बाहर लड़की अगर जाती भी है तो कहां जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही है, इस तरह से था. उस सारे ऐसे हालातों में अपना रास्ता चुनना यकीनन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि परवाह अगर करती तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाती. और मैं चलती रही, रास्ता मिलता गया, सिलाई सीखी, सिलाई के तौर पर मैंने नौकरी की, नौकरी जो 2 रुपए रोज से और 60 रुपए महीने से मैंने स्टार्टिंग की. उसके बाद मैंने उसी से अपना रास्ता चुना, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे बाबा की नौकरी जाती रही, मेरी बहन दवा के खातिर मर गई. और फिर तब मुझे पता चला कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो हमारे अपने भी हमें छोड़कर जा सकते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट तक के नहीं कर पाते, तो फिर पैसा कमाना चाहिए. और फिर मैंने अपना संघर्ष शुरू किया, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ जाऊँ मैं, सोचती रही. और फिर पता चला कि सरकार की कुछ स्कीम है जिसमें से हम लोन ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, और मैंने 50,000 का लोन लिया. 50,000 के लोन में मैंने बुटीक के लिए लिया था कि मैं अपना बुटीक शुरू करूंगी, लेकिन बुटीक के साथ साथ मैंने फर्नीचर का भी शुरू किया. लेकिन इसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरा बहुत सारा यूथ जो है वो बिना नौकरी के ऐसे ही भटक रहा है, उनके पास नौकरी नहीं है, सरकार के पास देने के लिए सबको नौकरी नहीं है, तो क्या करना चाहिए. तो जिस रास्ते से मुझे लोन मिला, जिस रास्ते पर मैं चली, उस रास्ते पर मेरे यूथ को भी ले जाऊंगी, ताकि इन लोगों को भी मतलब इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी. और मैंने एक संगठना बनाई, सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठना, और उस संगठना के द्वारे बहुत सारे बच्चों को मैंने लोन लेके दिया. गेट टुगेदर हम लोग एक साथ करते थे, बैंक के जो मैनेजर है वो
स्कीम के जो भी ऑफिसर्स है वो, और इस तरह से बच्चे लोगों को बुला के एक एक ही प्लेटफॉर्म उनको मिलता था और वो अपने स्कीम के बारे में बताते थे। जो स्कीम उनको यूथ को अच्छी लगती थी उसी हिसाब से लोन लिया जाता था और वो लोगों का भी काम होता था। तो इसी तरह से एक तरह से मेरा सोशल काम चल रहा था, दूसरी तरह मेरा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। यही करते करते लोगों के बीच मेरे लिए बहुत अच्छी भावनाएं होने लगी कि ये जो लेडी है ये बहुत अच्छा काम करती है, और मेरे पास जो भी लोगों की तकलीफें होती थी वो मेरे पास आते थे। तो इसी तरह से मेरे पास एक प्लॉट आया और वो प्लॉट में काफ़ी सारे लिटिगेशन थे, वो लिटिगेशन मैंने दूर किए और वहाँ पर जब बिल्डिंग बनाने की बात आई तो 99 की ये बात है, 95 में मैंने प्लॉट लिया था, 95 से लेकर 99 में मैंने उसको क्लियर किया, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान देश में एक महिला वो भी बिल्डर बने ये हजम तो नहीं होगा ना। ऊपर से मैं बुद्धिस्ट हूँ, एक बुद्धिस्ट ऊपर से महिला और ये बिल्डर बनेगी, क्योंकि बिल्डर तो सिर्फ पुरुष बन सकते हैं, महिला कैसे बन सकती है। और फिर मेरे नाम की सुपारी तक की दी गई, सुपारी दी गई, लेकिन मेरी नसीब अच्छी थी कि जहाँ पे ये मीटिंग चल रही थी वहाँ से एक आदमी मुझे आकर बताया उसने कि मैडम आप अपने गाँव चले जाइए क्योंकि आपको आपकी सुपारी दी गई है। तो यहाँ बहुत सारी महिलाएँ बैठी हुई है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको कभी पता चला कि आपको कोई मारने वाला है तो मुझे बताइए आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो बताइए। क्योंकि मुझे उस आदमी ने यह कहा था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि आप अपने गांव चले जाइए क्योंकि आपका मर्डर होने वाला है। तो मैं डरी नहीं, अपने गांव नहीं गई, क्योंकि अगर मैं डर जाती अपने गांव चली जाती तो आज स्टेज पे यहां पे खड़ी ना होती, किसी खेतों में काम कर रही होती। तो मैं उस वक्त के पुलिस ऑफिसर जो थे, मैं कल्याण में रहती थी, थाना में जो पुलिस कमिश्नर थे वहाँ भुजिंगराव मोहिते जिनका नाम था, 99 की बात है, और मैं उनके पास गई और उनको मैंने बताया कि इस तरह की मुझे मारने की सुपारी दी गई है साहब। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा भाई साहब आप पुलिस है आप ढूंढ लीजिए क्या हो गया, लेकिन ये बात सच है, मुझे पता चली इसीलिए आपको बताई। पुलिस ने देखा, कार्रवाई की, लोग पकड़े गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, अभी आप बिजनेस में आ ही गए हो और आपको अभी पता चला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि पता ना चले, तो आप क्यों नहीं अपने लिए सिक्योरिटी ले लेती हो। तो मैंने कहा साहब सिक्योरिटी लेकर कहाँ लेकर घूमूंगी मैं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, देना हो अगर तो मुझे रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिएगा। ताकि मैं अपनी हिफाजत खुद करूंगी। और आपको यकीन नहीं आएगा, शायद भारत की मैं पहली महिला होंगी कि 11 बजे मैं साहब के ऑफिस में गई थी थाना कमिश्नर के पास और शाम को 6 बजे मुझे लाइसेंस मिला एक ही दिन में। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्योंकि मेरा काम तो इसी तरह से था, मैं आगे बढ़ती रही और कई बार ऐसे होता रहा, लोग कहते रहे कि बस आप इस तरह से काम कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको कोई मार डालेगा। मैंने कहा कि मेरा रिवॉल्वर है मेरे पास, उसमें 6 गोली है, जब तक 6 गोली है तब तक कोई माइकलाल मुझे मार नहीं सकता। तो मैं इस तरह से काफी संघर्ष से मैं आगे बढ़ी हूँ और मेरे पास से डर नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आप सबको भी ये कहूंगी कि डर जिसके पास में है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास होता है ना छोटा छोटा डर कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर मैं वो करूं तो क्या होगा, अगर मैं वहां जाऊं तो क्या होगा। इस तरह का जो डर मानसिकता दिमाग में होती है तो इंसान डर जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए डर को निकाल दीजिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं इसी तरह से कमानी ट्यूब्स लिमिटेड जैसी बहुत बड़ी कंपनी, जो ऐतिहासिक कंपनी है, जिसको नेहरू गांधी का वारसा लगा हुआ है, ऐसी कंपनी, और ऐसे कंपनी के कामगार मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये कंपनी आप मैडम टेक ओवर कर लीजिए। अब आप देख लीजिए कि मैं एक देहात से आई हुई लड़की जिसके पास ढंग का एजुकेशन तक नहीं है, जिसने कोई MBA नहीं किया है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, है तो सिर्फ हिम्मत, काम करने की बहुत सारी हिम्मत, ना तो कोई डर ना तो कोई, और पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में अपना काम करना है, काम को अपना 100% देना है, तो यकीनन रास्ता अपने को मिलना ही है, मंजिल अपने को मिलना ही है। और मैंने उस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश की, मैं वहां गई। मैंने वहां जाने के बाद में 116 करोड़ का कर्जा था,
140 लिटिगेशन के केसेस थे और दो बड़ी यूनियन थी उस कंपनी के अंदर. कंपनी सिक हो चुकी थी. 87 में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार वर्कर्स को चलाने के लिए कंपनी दी थी. 87 में देने के बाद में 97 तक वर्कर्स ने किसी तरह से मतलब कंपनी को चलाया. लेकिन उस वक्त बैंकों ने आगे बढ़ बढ़ के बहुत सारे पैसे हमारे वर्कर्स को दिए कि भाई चलो वर्कर्स है कंपनी चलाएंगे. देश में नई क्रांति आई है क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी है जिस देश में सिका एक्ट तैयार हुआ इस कंपनी की वजह से. पहली ऐसी कंपनी जिसकी वजह से मालिक को बाजू में करके वर्कर्स को मालिक बनाया गया. लेकिन वर्कर वर्कर है नहीं वो चला सके कंपनी को. तो 97 में जब कंपनी फिर से लिक्विडेशन में, तीन कंपनियां थी कुरला में, कमानी इंजीनियरिंग, कमानी मेटल्स और कमानी ट्यूब्स. दो कंपनियां ऑलरेडी लिक्विडेशन में जा चुकी थी और कमानी ट्यूब्स को मैंने बचा लिया. अब ये कमानी ट्यूब्स को बचाने के पीछे 116 करोड़ रुपए का कर्जा है. ये कैसे हुआ? मैं 2000 में वहां गई थी. 2000 से लेकर 2006 तक मैंने काफी स्टडी की उसके अंदर कि क्यों 116 करोड़ का कर्जा है. तो पता ये चला कि मतलब अगर किसी बैंक ने 5 करोड़ दिया है तो उसका 25 करोड़ हो गया. किसी बैंक ने 4 दिया, मतलब इस तरह से इंटरेस्ट और पेनल्टी की वजह से इतना सारा लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ गई. तो ये लायबिलिटी कैसे कम हो सकती है? अगर मैं किसी बैंक के चेयरमैन के पास जाऊं तो शायद ना हो सके. तो मैं उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर बैंकिंग थे उसके पास गई और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि देखिए साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का बेबी है और ये भी लिक्विडेशन में जा रही है. दो कंपनियां ऑलरेडी जा चुकी है और मैं इसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि इसके वर्कर जो है ये मेरे पास आए थे और आज वो भूखे मर रहे हैं. तो मैं उनके खातिर ये काम करना चाहती हूँ. तो वैसे भी लिक्विडेशन में अगर चली जाती है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलना है. लेकिन अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर माफ कर देते हैं तो कम से कम प्रिंसिपल तो सबको मिल जाएगा. तो उन्होंने बैंकों से बात की. करीबन 4-5 बैंकों के सारी लायबिलिटी थी और बैंकों के चेयरमैन से फोन आया. IDBI हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया. OTS हो गया बैंकों के साथ में. और मैं आपको बताऊं कि कहां पेनल्टी और इंटरेस्ट तो सारा माफ कर ही दिया, लेकिन जो प्रिंसिपल था उसमें से भी 25% मुझे माफ कर दिया गया. और इस तरह से 25% वहां पे माफ हो गया. मेरे लिए काम करना आसान हो गया. फिर वर्कर्स थे, वर्कर्स का ड्यूज था, बैंक के ड्यूज थे, ये सारा करके 2006 में, 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने मुझे कंपनी दी चलाने के लिए कि ये कंपनी है. लेकिन एक शर्त ये है कि 2011 में आपको सिका से बाहर निकलना है. तो आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मैं 2006 से 2009 तक मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की. कुरला से मुझे वाडा फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी. काफ़ी सारी दिक्कतें हुई लेकिन सारे दिक्कतों का सामना मैंने किया और 2009 में फैक्ट्री स्टार्ट की. और 2011 में जहां बैलेंस शीट पे 116 करोड़ का कर्जा था वहां 4.5 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए. तो इस तरह से मेरा संघर्ष रहा और बहुत सारा है बताने के लिए लेकिन वक्त हमारे पास कम है इसलिए बहुत कम में ही बात करेंगे. तो 2011 में मैं सिका से बाहर आ गई. इसीलिए सरकार ने मुझे 2013 में पद्मश्री से नवाजा और आज दुनिया भर के अवार्ड्स मुझे मिलते हैं. दुनिया भर के एक एक महीने में 5-5 अवार्ड्स, आप यकीन नहीं करोगे. मैं अभी लंदन से परसों आई हूँ. 27 तारीख को मुझे लंदन में वहाँ के पार्लियामेंट में भी मुझे अवार्ड्स मिला. तो इस तरह से तो इस तरह से एक जीरो से हीरो बनने की कहानी है मेरी. और अगर आप सब भी मेहनत करें, हिम्मत से अपना काम करें, सच्ची लगन और यकीन से काम करें तो यकीनन आप सब भी कल्पना सरोज की तरह बन सकते हो. थैंक यू.